हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए आज की क्लास। और डीएलएड की आपकी क्लास चल रही है, यूनिट नंबर 6, और इसका पार्ट होगा आपका 4 नंबर। ठीक है, इसके पहले 3 पार्ट आपका हो गया है, पार्ट नंबर यूनिट 6 का, और आज ये यूनिट नंबर 6 आपका समाप्त हो जाएगा, जिसमें हम लोग आज महत्वपूर्ण दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो इसका थ्योरी पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन आपको चुन करके बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, इसको जरूर आप देखिएगा, 1 से 2 बार इसको देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी हम आपको देख लेंगे, दे देंगे ग्रुप में, तो वहां भी आप जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, थ्योरी का भी और इसका क्वेश्चन आंसर का भी, और उसके बाद फिर आप इसको पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से लेकर के 5 यूनिट तक आप लोग को करवा दिया गया था, आज ये 6ठा यूनिट हो रहा है, और इसके बाद फिर 7 नंबर यूनिट चलेगा आपका। ठीक है, तो थ्योरी आप लोग को पूरा हो गया, आज हम लोग इसका देखेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों इसका नोट्स भी है और इसका क्वेश्चन आंसर भी है, तो आप इसको एक बार जरूर ले लीजिएगा, और इसको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से एक बार जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए न्यू बैच भी आपको प्रधान शिक्षक की शुरू हो रही है, 1 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होगी, और उसमें अभी आप जुड़ जाइए, आपको जो भी क्लास चल रही है पुराने वाला क्लास भी आपको मिल जाएगा, और जो नया क्लास होगा आपका 1 तारीख से वो भी आपको मिलते रहेगा। इसमें मात्र आपको दोस्तों 399 अभी चार्ज लगेगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, 9 बजे से डेली आपकी क्लास चलेगी रात्रि में, मात्र 399। न्यू जो टीचर जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 399 उनका चार्ज है, और जो पुराने टीचर अगर उसमें जुड़ना चाह रहे हैं नए बैच में, तो मात्र 201 उनका चार्ज लगेगा। और ये फोन पे गूगल पे आपको पता होगा, तो इसी नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, और यही नंबर फोन पे गूगल पे भी है। ठीक है, तो ये नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, है ना, उसके बाद इसमें पेमेंट करके आप हमें व्हाट्सएप जरूर से जरूर कर देना है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर पर, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभी क्वेश्चन आंसर हम लेकर के आए हैं, तो इसका पीडीएफ भी आज हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइएगा, है ना, इसको याद कर जाइएगा सभी प्रश्नों को दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज का पहला सवाल है, देखिए वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना, जैसे ही आप लोग आते हैं तो आपका काम यही है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, है ना। गुड इवनिंग सभी लोगों को, है ना, सभी लोग आ जाइए, गुड इवनिंग जी। 9 बज गई है, तो आप लोग को लेट नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल 9 बजे से रात्रि में एकदम तैयार रहना है। और तो पहला प्रश्न कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्रों को स्थापित करने की संकल्पना किसके क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई थी, है ना। आप लोग को बताया गया था संकुल संसाधन केंद्र, ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC के बारे में, ठीक है, डायट के बारे में, NCT के बारे में, NCERT के बारे में, ठीक है, PTEC के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो संकुल संसाधन केंद्र से है, और इसको स्थापित करने की जो संकल्पना थी वो किसके क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई थी। ऑप्शन आपको पढ़ना है और इसका फटाफट आपको क्या करना है, जवाब देना है। पहला का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा पहला का आंसर क्या होगा। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि यहाँ पर अभी हम 60 से ज़्यादा सवाल, है ना, 60+ क्वेश्चन हम अभी यहाँ पर करने वाले हैं, फटाफट आपको जवाब देते चलना है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला का आंसर हो जाएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, है ना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की संकल्पना के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई थी संकुल संसाधन केंद्र की स्थापना का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पहला का आंसर हो जाएगा ए नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कार्य संकुल संसाधन केंद्र करती है। जी हाँ, संकुल संसाधन केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है, है ना, मैंने कार्य भी आप लोग को बताया था, कर्तव्य क्या है उसका, मुख्य उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, ये सारी चीज़ आप लोग को करवा दिया गया था। नहीं देखे हैं थ्योरी वाला क्लास तो जरूर देख लीजिएगा पीछे की क्लास, है ना, 3 पार्ट में आप लोग को थ्योरी करवाया गया था, उसके बाद आज इसका क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बनाना, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण व कार्यक्रम की व्यवस्था करना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो सेकेंड का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा कार्य संकुल संसाधन केंद्र के प्रमुख कार्य नहीं है, है ना, नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संकुल संसाधन केंद्र का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है। विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, या छात्रों की उपलब्धि का प्रमाण पत्र बनाना, या विषय विशेषज्ञों के समूह से इनकार करना, या संसाधनों को विद्यालयों तक पहुँचाना।
तो विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना ये तो बिल्कुल सही है, छात्रों की उपलब्धि का प्रमाण पत्र बनाना ये भी ठीक है, संसाधनों को विद्यालय तक पहुंचाना ये भी ठीक है, लेकिन सी नंबर जो दिया है विषय विशेषज्ञों के समूह से इनकार करना तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ये कार्य नहीं है इसका, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चार नंबर सवाल है, देखिए आप लोग को क्या करना है, तो आप लोग को कमेंट करते चलना है ना, ए का बी का, ए का एक बी का सी, है ना, इस प्रकार से आपको कमेंट करते चलना है। सभी लोगों को कमेंट करने से क्या होगा, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संकुल स्तर पर प्रभावी कार्य बनाने के लिए संकुल संसाधन केंद्रों के द्वारा कौन से महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, बताइए, है ना। संकुल स्तर पर कह रहा है कि प्रभावी कार्य बनाने के लिए संकुल संसाधन केंद्र के द्वारा दोस्तों कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है कार्यशालाओं का आयोजन करना, बिल्कुल सही है, संभावित व्यूह की रचना करना, ये भी आपका सही है, विद्यालयों की निगरानी करना भी ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका चार का। अगला प्रश्न चलते हैं आपका पांच नंबर, फटाफट आपको जवाब देते चलना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पांच नंबर प्रश्न है कि प्रखंड संसाधन केंद्रों को राज्यों में प्रायः किस स्तर पर स्थापित किया जाता है। आप लोग को राज्य स्तर, जिला स्तर, केंद्रीय स्तर, सभी स्तर पर आप लोग को बता दिया गया था कौन कौन से संस्थाएं हैं, कौन कौन सी बोर्ड है। तो प्रखंड जो संसाधन केंद्र है दोस्तों ये किस स्तर पर स्थापित किया जाता है, मंडल स्तर पर, बिल्कुल गलत है, जनपद पर, यह भी गलत है, संकुल पर, यह भी गलत है ना, प्रखंड स्तर पर किया जाता है प्रखंड संसाधन केंद्र, है ना, ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका सिक्स नंबर, कह रहा है कि शिक्षा से जुड़ी कौन सी संस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा संकुल संसाधन केंद्रों के बीच कड़ी का कार्य करता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था जब थ्योरी हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उस समय ये भी हम आप लोग को बताए थे कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और संकुल संसाधन केंद्र के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है। तो कड़ी का जो कार्य करता है दोस्तों वो खंड संसाधन केंद्र, विद्यालय संसाधन केंद्र, ये गलत है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, ये भी गलत है, विद्यालय शिक्षा समिति, ये भी गलत है। सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर सात नंबर, कह रहा है कि बी आर सी संकुल संसाधन के केंद्र के रूप में किस प्रकार कार्य करती है। जी हाँ, जो बी आर सी है ये संकुल संसाधन केंद्र के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है ये बताना है। ऑप्शन है सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है, मुख्य अध्यापकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, सही है, संकुल समन्वयकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना फटाफट आप लोगों को क्या करना है, अपना अपना कमेंट करते चलना है जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका आठ नंबर, आठ नंबर प्रश्न कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्रों के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के रूप में बीआरसी कौन सा कार्य करती है, बताइए, जो बीआरसी है ना वो कौन सी कार्य करती है। प्रत्येक ब्लॉक में होता है, आप देखे होंगे बीआरसी, तो संकुल संसाधन केंद्र के पर्यवेक्षक एवं निगरानी के रूप में जो बीआरसी होता है वो कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन दिया गया संकुल समन्वयकों की मासिक बैठक योजना बनाना, बिल्कुल सही है, प्रभावी सूचना प्रणाली की व्यवस्था करना, ये भी ठीक है, संकुल स्तर की रिपोर्ट का विश्लेषण करना, ये भी सही है, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। 1 अप्रैल से आपकी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा सभी लोग, उसमें एकदम बिल्कुल शुरू से क्लास आपकी चलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर नौ नंबर, नाइन नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य बीआरसी के संबंध में सही नहीं है, है ना, कौन से जो कार्य हैं वो बीआरसी के बारे में संबंध में सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है संकुल समन्वयकों को सलाह देना, विभिन्न नवाचारों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना, रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से राज्य को सौंपना, या विद्यालय के आवश्यक दिशा निर्देशों को जारी करना। इसका आंसर क्या होगा नाइन का, बताइएगा, है ना, बीआरसी के संबंध में कौन से कार्य नहीं है, तो रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से राज्य को सौंपना दोस्तों ये कार्य नहीं है, सी नंबर इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर दस नंबर, दस नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु जिला स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश किस शिक्षा नीति ने में की गई है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, है ना, जितने भी सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जिला स्तर पर
जिला स्तर पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की जो सिफारिश की गई थी वो किस शिक्षा नीति में की गई थी, है ना। तो ये काफ़ी सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। शिक्षा नीति 68 गलत है, 92 भी गलत है, 2020 भी गलत है। शिक्षा नीति जो 1986 का था, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसी में इसकी सिफारिश की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट की इकाई है, ना। डायट की मैंने आपको लोग बताया था 7 इकाई, ठीक है, डायट की आप लोग को 7 इकाई बताया गया था। तो कौन सी इसकी इसमें डायट की इकाई है? सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा, बिल्कुल ठीक है। शैक्षिक तकनीकी योजना एवं प्रबंध, उपयुक्त हो जाएगा सभी, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आप लोग को वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना, ठीक है। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, है ना, क्या दुश्मनी है, सभी लोग लाइक कीजिए वीडियो को पहले। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर से जरूर करना है, ठीक है, सभी लोगों को सब्सक्राइब आपको करना है। 9 बजे से बिल्कुल आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है रात में, तो रात में आपको 9 बजे से आ जाना है, है ना। 9 बजे से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रश्न है दोस्तों कि डायट संस्था खंड स्तर के कार्यों में कौन से कार्य को करके सहायता प्रदान करती है, बताइए। जो डायट है, है ना, डायट के बारे में भी आप लोग को बताया गया था कि डायट का क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्या उद्देश्य है, डायट की स्थापना क्यों की गई थी। तो जो डायट जो है इस ये संस्था, ये खंड स्तर के कार्यों में कौन से कार्य को करके सहायता प्रदान करती है? तो ऑप्शन है कि शिक्षण की प्रशिक्षण की स्थिति को जानकर, बिल्कुल ठीक है, शिक्षण सामग्री को विद्यालय तक पहुंचा करके, सर्व शिक्षा अभियान की प्रगति की समीक्षा करके, यानी कि आंसर इसका भी हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जो डायट है ये खंड संसाधन केंद्रों के कार्यों में किस प्रकार सहायता करता है, बताइए, है ना। जो डायट है दोस्तों ये खंड संसाधन केंद्र के कार्य में किस प्रकार की सहायता करती है? तो जिले के समन्वय के कार्यों की समीक्षा कर, ठीक है, समन्वयकों की समस्या को पहचान करके, या शैक्षिक सहायता प्रदान कर और निगरानी करके, यानी कि उपयुक्त सभी, इसका भी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती है? जी हाँ, तो जब नहीं पूछे दोस्तों तो थोड़ा सा आपको सतर्क हो जाना है, कौन सा कार्य यहाँ पर डायट नहीं करती है, ना, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यों का आयोजन करना, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो कार्य करती है। पाठ्यचर्या सामग्री का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी कार्य करती है। प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों की अवहेलना करना, ये शब्द बिल्कुल गलत है और यही कार्य नहीं करेगी। शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये भी करती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 नंबर की प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय यानी कि पीटीईसी। तो पीटीईसी की स्थापना जो होता है ये प्रायः किस स्तर पर होती है, ये आपको बताना है ना। पीटीईसी के बारे में भी आप लोग को बताया गया था, है ना, इसका क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है, क्यों इसकी स्थापना हुई थी, है ना, किस स्तर पर कार्य करती है, सभी चीज आप लोग को बताया गया था पीटीईसी के बारे में। इसका सब्जेक्टिव आप जरूर देख लीजिएगा, है ना, पिछले क्लास वाला। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये किस स्तर पे हुई थी, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जिला स्तर, है ना, ये जिला स्तर पे स्थापित हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? जी हाँ, है ना, आखिर जो वित्तीय सहायता है, जो पैसे की इसको जरूरत पड़ेगी, है ना, तो प्रारंभिक शिक्षा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो है, यानी कि पीटीईसी जो है ना, पीटीईसी, तो पीटीईसी को जो वित्तीय सहायता आता है ये कहां से आता है? 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, आंसर नंबर राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि पीटीईसी की संस्थानों में 2 वर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकन के लिए न्यूनतम अर्हता कौन सा निर्धारित है? जी हाँ, तो न्यूनतम अर्हता क्या होती है ताकि आप वो पास करके आप पीटीईसी में जा करके प्रशिक्षण ले सके और फिर बाद में आप प्राथमिक शिक्षक बन सके। तो उसकी जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उच्चतर माध्यमिक होनी चाहिए, यानी कि +2 होनी चाहिए दोस्तों, है ना, +2 होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और ये नंबर है दोस्तों जहां से आप हमारे यहां जुड़ सकते हैं 7857 82 43 10, है ना, यहीं से आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। कैसे आपको ग्रुप में जुड़ना है, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, कैसे आपको मटेरियल मिलेगा, है ना, कैसे क्लास मिलेगा, है ना, ये सारे आपको वहां पर बताया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 18 नंबर, कह रहा है कि पीटीईसी संस्था में संचालित शिक्षण कार्यों में कौन सा उद्देश्य परक शिक्षण शामिल होता है, बताइए। जो पीटीईसी है, प्रशिक्षण शिक्षा शिक्षक महाविद्यालय, तो इसमें संचालित जो कार्य है दोस्तों, ये इसका उद्देश्य परक शिक्षण कौन इसमें शामिल है, ये आपको बताना है, बताइए। 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, बालकों की समस्याओं को समझने का प्रयास करना, बिल्कुल ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा की समझ को विकसित करना, बिल्कुल ठीक है। शैक्षिक उपकरण सामग्रियों के अनुप्रयोग की समझ को विकसित करना, ये भी सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए वीडियो को भी आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर देना सभी लोगों को। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, और जो भी आपके मित्र हैं उनको थोड़ा सा वीडियो क्या करना है, शेयर कर देना है, ठीक है। वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर से जरूर करना है, जो भी आपके मित्र होंगे। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा राज्य स्तर पर कौन सी संस्था का क्रियान्वयन किया जा रहा है, बताइए, है ना। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा राज्य स्तर पर कौन सी संस्था का क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यूजीसी, ए और बी दोनों, केवल बी। 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर नंबर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 19 नंबर, कह रहा है कि शिक्षा संस्थान की स्थापना राज्यों में किस वर्ष के मध्य की गई थी, बताइए। जो शिक्षण संस्थान है ना, इसकी स्थापना जो है ये राज्य में किस वर्ष के मध्य में की गई थी, तो इसका बी का आंसर क्या हो जाएगा, 1950 नहीं, 1970 ये भी ठीक नहीं है, 1992 ये भी ठीक नहीं है, 1960 में की गई थी आपका, ठीक है, 1960 में। अगला है आपका 21 नंबर, 21 प्रश्न कह रहा है कि राज्य शिक्षा संस्थान का रूप बदलकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में स्थापित किया गया, है ना, राज्य शिक्षा संस्थान का रूप बदल करके राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में इसको स्थापित कब किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना आपको, है ना। मैं जब इसका थ्योरी पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया था, है ना, इसका नाम बदल के कब किया गया था, 21 का हो जाएगा दोस्तों आपका 1970 ईस्वी, है ना, 1970 में किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 22 नंबर, 22 सवाल कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, है ना, इसका जवाब दीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्यों की पहचान कीजिए, अब बताना है कि इसके कौन से मतलब कि प्रमुख कार्य थे, है ना, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का। 22 का आंसर क्या होगा कि राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। प्रत्येक विषय हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं अध्यापकों की शिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना, यह भी सही है। अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बच्चों एवं अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्तियों भत्ते इत्यादि की परियोजना बनाना, यह भी सही है, यानी कि भाई साहब हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, यानी कि ये सभी कार्य दोस्तों आपको राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर, प्रश्न है कि बिहार शिक्षा परियोजना की संकल्पना किस वर्ष हुई थी, बताइए। बिहार शिक्षा परियोजना की संकल्पना जो हुई थी ये किस वर्ष हुई थी, 1989-90 में, 1975 में, 1992 में, 1993 में। 23 का क्या होगा दोस्तों, 1989-90 में हुई थी इसकी, है ना, संकल्पना कब हुई थी बिहार शिक्षा परियोजना की, 1989-90 याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, देखिए आप लोग को अलग से कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जितना आप लोग को करवा दिया गया है डीएलएड या फिर जो करवाया जा रहा है, है ना, बस उतना आप लोग थोड़ा रिवीजन करते रहिए, उसको देखते रहिए, ज़्यादा समय भी नहीं है, फालतू इधर उधर का किताब उताब मत ज़्यादा खरीदिए, फालतू इधर उधर कुछ मत देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जितना आप लोग करवाया जा रहा है उतना आप देखते चलिए खाली, ठीक है।
है ना। अब देखिएगा एक दिन आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा डीएलएड भी, और मैं जितना पीछे टेस्ट करवा दिया हूँ, क्या आप उसको रिवीजन किए हैं? करिए उसको सर, पीछे हम 100 टेस्ट करवाए हैं, है ना, 100 से ज़्यादा टेस्ट हम पीछे डीएलएड का और सामान्य अध्ययन का, मैथ का, रीजनिंग का, है ना, साइंस का, सब चीज़ का करवाए थे, है ना। करेंट अफेयर हम फिर से करवा देंगे, क्योंकि करेंट अफेयर जो था वो तो बदल जाता है ना। करेंट अफेयर आप, हाँ, करेंट अफेयर हम कहेंगे कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। करेंट अफेयर जो है पिछले एक साल का, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पिछले एक साल का, ठीक है। तो आप जून 2023 से लेकर के जून 2024 तक, है ना, इतना आप देख लीजिएगा। अभी तो खैर मार्च चल रहा है, ठीक है। तो पिछले एक साल का, जैसे आपका एग्जाम मई जून में होगी ना, तो जून से लेकर के जून 2023 से लेकर के जून 2024 तक का करेंट अफेयर इतना में से ही आपको लगभग पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पीछे ज़्यादा जाता है, ठीक है। ऐसे 2022 तक वाला तो हम करवाए थे, लेकिन वो आपको काम नहीं देगा, है ना। तो आप नया वाला करेंट अफेयर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को करेंट अफेयर भी करवा देंगे जो महत्वपूर्ण है। चलिए 24 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये भी मैंने बताया था, है ना। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो था ये किस वर्ष पारित हुआ था? 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1860 ईस्वी, ठीक है। 1860 ईस्वी याद रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। 25 है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करती है, यह संस्था किसके साथ कार्य करती है, ये बताना है, है ना। ये जो संस्था है ये किसके साथ कार्य करती है? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है ये किसके साथ कार्य करती है? यूनिसेफ के, WTO, नाटो, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? हाँ, ये बताए थे दोस्तों आप लोग को, तो मैंने आपको बताया था WTO की इसमें जरूरत नहीं है, नाटो की भी जरूरत नहीं है, आंसर हो जाएगा यूनिसेफ, है ना। यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय भी मैंने बताया था न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 25 नंबर कह रहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का मुख्यालय किस स्थान पर है? बहुत अच्छा सवाल है ना, मुख्यालय इसका कहाँ है? तो 26 का क्या हो जाएगा? सबको पता होगा कि इसका मुख्यालय पटना में ही होगा, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? पटना में ही होगा, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रमुख कार्य कौन से हैं, है ना। बहुत सारे कार्य इसके बताया गया था, है ना, क्या उद्देश्य है, क्या कार्य है, है ना। तो बताइए इसका कार्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है कि 15 से 35 आयु वर्ग के सभी वयस्कों के बीच व्याप्त निरक्षरता का व्यापक उन्मूलन करना, या कार्यात्मक साक्षरता शिक्षा सुनिश्चित करना, या फिर दोस्तों कह रहा है कि वयस्कों के बीच साक्षरता और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना, या फिर इनमें से सभी सही है। तो देखिए अधिकतर लोग जो सरकारी जवाब है ऑप्शन नंबर डी वही आप लोग दे रहे हैं, और बिल्कुल सही है, डी नंबर ही इसका आंसर है, है ना। डी नंबर ही इसका सही आंसर है। और जिनको भी PDF नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये नंबर आपको दिया गया है, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के उद्देश्य भी मैंने बताया था, इसीलिए मैंने उस समय कह रहा था कि आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। इसका PDF भी हम आपको दे देंगे, आप निकाल भी सकते हैं, है ना, उसको नहीं तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो निकाल के भी पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। बताइए दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति एवं समाज के निर्धन वर्ग को शिक्षा का समान अवसर प्रावधान करना, बिल्कुल सही है। और शिक्षा को कार्य एवं लोगों के रहन सहन के साथ संबंध करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। संस्कृति एवं संचार, विज्ञान, पर्यावरण की भावना पैदा करना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी सही, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड एक क्या है? बताइए, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड में सारे क्वेश्चन आप लोग को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम 60 से ज़्यादा सवाल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जो पीछे पढ़ाया गया था। बताइए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है ये किस प्रकार का बोर्ड है? तो ये हो जाएगा वैधानिक बोर्ड, है ना, वैधानिक निकाय है दोस्तों, है ना, किस प्रकार का है? वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर सवाल है कि बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड के कार्य क्या है? बताइए, बिहार विद्यालय परीक्षा जो बोर्ड है दोस्तों, इसके क्या कार्य है? बहुत सारे कार्य है ना,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही तो आपके टेंथ की एग्जाम होती है, ट्वेल्थ की एग्जाम होती है, है ना। बहुत सारे कार्य हैं, और भी बहुत सारे कार्य हैं। कह रहा है कि देश के मानकों के अनुरूप राज्य के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने में सहायता करता है, बिल्कुल ठीक है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा का तीव्र विकास करना है, ठीक है। दसवीं बारहवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन करना तथा परीक्षा संबंधी शर्तों का निर्धारण करना, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है आपका 31 नंबर की, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, है ना। ये भी आप लोग को बताया था ना, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, ठीक है। तो संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी, आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, 1981 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर सवाल है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना में क्या उद्देश्य है, बताइए। जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई बिहार में, आखिर इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन दिया गया है कि इसकी स्थापना बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 के अंतर्गत की गई थी, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है कि यदि यह बोर्ड संस्कृत भाषा के उद्देश्यों की उपलब्धियों एवं समान विचारों वाले संगठनों कलाकृतियों को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। केवल बी सही है या ये अभी दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है ना, ए और बी इसका दोनों आपका बिल्कुल ठीक है, कोई भी गलती नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है आपका 33 नंबर की, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, जी हाँ, इसके बारे में भी आप लोग को बताया गया था, मदरसा बोर्ड के बारे में, है ना, इसके क्या कार्य है, है ना। तो मदरसा बोर्ड जो है ये किस वर्ष से चल रहा है ना, ये कब से चल रहा है ये बताना है आपको, कब से चल रहा है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा जो बोर्ड है ये 1920 से चल रहा है, ठीक है। कब से चल रहा है, 1920 से चल रहा है, 1920 से चल रहा है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष स्थापित किया गया था, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ना, शिक्षा का अधिकार जो कानून है, है ना, जो इसमें 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं इनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है, हमारे अनुच्छेद 21 के ए में भी इसका प्रावधान किया गया है, जो मौलिक अधिकार है, ये किस वर्ष स्थापित किया गया था, 34 का आंसर हो जाएगा आपका 2009 में, है ना। लागू कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है ना, इसको लागू कब किया गया था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में क्या सही नहीं है, है ना, नहीं जो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। कह रहा है कि 1981 में एक अधिनियम के द्वारा औपचारिक रूप से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के रूप में राज्य मान्यता दी गई है, बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य है बिहार राज्य में चल रहे मदरसों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना, ठीक है। कुरान हदीस जैसे धार्मिक पुस्तकों को भी मदरसों के पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया, भैया ये तो गलत है, है ना, नहीं दे दिया है ना, तो यही तो गलत हमसे पूछ रहा था, तो यही तो हमारा निकल गया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछ रहा था ना, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 36 सवाल कह रहा है कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, है ना। जो बिहार ओपन जो स्कूलिंग जो है दोस्तों, है ना, ये जो खोला गया है ये स्थापना किस वर्ष की गई थी, है ना। ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं, है ना, उनको मूल धारा से जोड़ने के लिए इस प्रकार के स्कूल की स्थापना की गई है, तो इस प्रकार के संस्था की स्थापना की गई है, कब की गई थी। 36 का आंसर हो जाएगा आपका 2011 में, ठीक है, 2011। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर की, बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं प्रशिक्षण परीक्षा बोर्ड के प्रमुख कार्य को इंगित कीजिए, है ना। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड, इसका मुख्य कार्य क्या है ये बताइए आप। कह रहा है कि बोर्ड के द्वारा बिहार में शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा को पहचाना, ये तो मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल सही है। अगला है कि इसे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए स्थापित किया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, भी मैंने आप लोग को बताया था, तो 37 का हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों यहाँ पर क्या है, सही है। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1965 में हुआ था, नहीं 70 में गलत है, 78 में गलत है, 61 में हुआ था आपका ना, 1 सितंबर 1961 को याद रखना है ना, 1 सितंबर 1961 को ही थी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। 39 कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अपना कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत संपादित करती है। जी हाँ, ये जो अपना कार्य करती है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत संपादित करती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जी हाँ, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये अपना कार्य को क्या करती है, संपादित करती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई डी नंबर आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए। ये भी मैंने क्षेत्रीय कार्यालय भी आप लोग को बताया था और उसमें मैंने जोर भी दिया था कि इसको आपको याद रखना है ना, तो इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो 17 क्षेत्रीय कार्यालय मैंने आप लोग को बताया था ना, कितने 17 इसके क्षेत्रीय कार्यालय दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका 41 नंबर। फटाफट आप लोग अपना अपना जवाब देते चलना है, कॉमेंट करते चलना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली 9 बजे से आपको क्लास होती है रात में, है ना, तो डेली 9 बजे आपको ज्वाइन कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना है। प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, है ना, कहाँ कहाँ है ये तो मैंने बता दिया था, अब कहाँ नहीं है ये आपको छांटना है ना। तो 41 का क्या हो जाएगा, देहरादून, शिमला, गुवाहाटी, इलाहाबाद, कहाँ नहीं है दोस्तों ये बताना है ना। तो देखिए शिमला में तो था, है ना, शिमला में था, गुवाहाटी में भी था, इलाहाबाद में भी था, देहरादून में मैंने नहीं बताया था, देहरादून इसका आंसर नहीं होगा, यानी कि देहरादून इसका आंसर हो जाएगा नहीं पूछ रहा था, तो देहरादून नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन है, बताइए इसके अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के। 42 का आंसर क्या होगा दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं या मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं या मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री होते हैं या शिक्षा मंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री तो गलत है, शिक्षा सचिव भी गलत है, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 का, ठीक है, 42 का बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में भारतीय सरकार द्वारा कितने सदस्य को नामित किया जाता है, बताइए, है ना, इसमें भारतीय सरकार के द्वारा कितने सदस्य नामित होते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 43 का आपका आंसर हो जाएगा 6, है ना, आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का वित्त पोषण किया जाता है, वित्त पोषण इसका किससे किया जाता है ना, कहां से इसका वित्त पोषण होता है, कहां से इसको खर्च आता है, पैसा मिलता है। तो ऑप्शन है कि पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र और राज्य सरकार दोनों या राज्य सरकार या वित्त आयोग। देखिए तो राष्ट्रीय शैक्षिक नाम ही इसका दोस्तों राष्ट्रीय है ना, तो इसमें जो भी वित्त पोषण होगा वो पूर्णतः केंद्र पर निर्भर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, पूर्णतः केंद्र पर होगा। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष होते हैं, बताइए कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं। मैं सारा क्वेश्चन आप लोग को बता चुका हूं, है ना, ये सब सभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं थियोरी क्लास में। इसका आंसर क्या होगा, 45 का जो आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 46 नंबर। 46 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए कार्यकारिणी जो समिति है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये बताना है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री गलत है, मानव संसाधन विकास सचिव गलत है, विश्वविद्यालय अनुदान अध्यक्ष ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, है ना, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय
शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? भैया ये भी आप लोगों को क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ? नई दिल्ली, नाम ही है केंद्रीय, है ना, तो ध्यान कहाँ जाना चाहिए, कॉमन सेंस लगाना चाहिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में, है ना। केंद्रीय है तो पटना में कहाँ से आएगा, गाजियाबाद में नहीं जाएगा, भुवनेश्वर में नहीं जाएगा, नई दिल्ली में जाएगा, है कि नहीं। सेंट्रल कहाँ है, तो दिल्ली है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर सवाल कह रहा है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान कहाँ है? सुंदरलाल शर्मा ना, तो सुंदर कौन है, है ना, सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान जो है ये कहाँ है दोस्तों? भोपाल में, है ना, भोपाल के जो लोग होते हैं काफी सुंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर सवाल कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद में संलग्न क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना किस समिति आयोग की अनुशंसा पर की गई थी? बताइए, है ना, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की जो स्थापना हुई थी ये किस समिति आयोग की अनुशंसा पर की गई थी? तो 49 का क्या हो जाएगा, कोठारी आयोग गलत है, आचार्य राममूर्ति समिति ये भी गलत है, चट्टोपाध्याय समिति ये भी गलत है, मुदालियर आयोग मैंने आप लोग को बताया था पढ़ाते वक्त, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है, है ना, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कहाँ नहीं की गई है, जयपुर में, भोपाल में, शिलांग में या भुवनेश्वर में? तो 50 का नहीं पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा जयपुर में दोस्तों, नहीं किया गया था, भोपाल, शिलांग, भुवनेश्वर में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा फास्ट हो जाइए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी, बताइए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं सभी लोग लाइक कीजिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी दोस्तों मई 1973 में, ऑप्शन नंबर ए। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चले। अगला प्रश्न है 52 नंबर, है ना, 52 नंबर है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पूर्ण वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित कब किया गया? तो पूर्ण वैधानिक संस्था के रूप में जो स्थापित किया गया वो कब किया गया ये आपको बताना है, 1973 में, 1990 में, 1993 में, 1980 में? 52 का आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में, है ना, वर्ष 1993 में इसको वैधानिक संस्था के रूप में दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका 53 नंबर, प्रश्न नंबर है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने विधिवत रूप से अपना कार्य आरंभ कब किया? तो विधिवत रूप से कब शुरुआत किया भाई? ऑप्शन है 1 अप्रैल 1993, 1 जुलाई 1990, 1 जुलाई 1995, 1 अगस्त 1992। 53 का हो जाएगा आपका 1 जुलाई 1995 में, है ना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने विधिवत रूप से अपना जो कार्य आरंभ किया था 1 जुलाई 1995 से किया था, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 54 नंबर, और 54 में क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, है ना, एक तरफ दिया गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एक तरफ दिया गया है स्थान, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये बताइएगा। 54 का उत्तर क्षेत्रीय समिति जयपुर में है, उत्तर क्षेत्रीय समिति कौन सा नहीं है ये बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, उत्तर क्षेत्रीय समिति जयपुर, ठीक है, दक्षिण क्षेत्रीय मैसूर, पूर्वी क्षेत्रीय भुवनेश्वर, पूर्वी क्षेत्रीय भुवनेश्वर, ठीक है, ये ठीक है, पश्चिम क्षेत्रीय भोपाल ये भी सही है, दक्षिण क्षेत्रीय समिति मैसूर ये गलत है, और गलत हमसे पूछ रहा था, लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना है कि दक्षिण क्षेत्रीय समिति कहाँ है, है ना, किस स्थान पर इसका है, है ना, दक्षिण क्षेत्रीय समिति। अगला प्रश्न हम चलते हैं, कल मैंने बताया था आप लोग को 55 नंबर सवाल है, 55 नंबर सवाल बताना है दोस्तों। 55 नंबर कह रहा है कि एक तरफ सेवाकालीन शिक्षण दिया गया है, एक तरफ स्थान दिया गया है, उत्तरी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है भाई, देहरादून में है, तो कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा था, दक्षिण क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर, पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, पश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, ए नंबर यहां पर गलत हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 56 नंबर, 56 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन
निम्न में से कौन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्य है? कौन से प्रमुख कार्य है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के? आना ऑप्शन है कि देश में अध्यापक शिक्षा के विकास का समन्वय एवं परिवीक्षण करना, तो ये तो भाई साहब बिल्कुल ठीक है। कौन से कार्य पूछ रहा था, तो ये भी कार्य सही है। अध्यापक शिक्षा के मानकों का निर्धारण एवं संरक्षण करना ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 57 नंबर, कह रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, है ना? आप लोग रटवा दिए थे फिर भी आप गलत मत करिएगा, है ना? कब हुई थी, 60 में, 62 में, 65 में, 68 में? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो दिल्ली में होगा। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर, 58 सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सीबीएसई बोर्ड के संबंध में सही है? बताइए, है ना, वो कौन सा कथन सीबीएसई बोर्ड के संबंध में सही है? तो स्थापना तो 62 में हुआ था, ये ठीक था। इसका जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी पुस्तकें हैं, बिल्कुल सही बात है। यह देश की प्रमुख शिक्षा बोर्ड है, ये भी सही है। यह संबंध शिक्षा संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने हेतु कार्यों को करता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, इनमें से सभी, है ना, ये सारी आपका सही है। और 1962 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना, मुख्यालय दिल्ली में है। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर, प्रश्न है कि निम्न में से सीबीएसई के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य को पहचानिए। अब बताइए कि सीबीएसई का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या है, है ना? तो ऑप्शन है कि 10वीं और 12वीं की सार्वजनिक परीक्षाओं का आयोजन करना, बिल्कुल सही है, है ना, 10वीं 12वीं का आयोजन कराती है। अगला है कि पाठ्यक्रम को निर्धारण करना एवं परीक्षाओं को निर्धारण करना, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि वैसे विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करना जिनके माता पिता स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हो, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 60 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान किस मंत्रालय से वित्त पोषित होता है? बताइए राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन जो संस्थान है ये किस मंत्रालय से वित्त पोषित होता है, यानी कि इसको वित्त पोषित पैसा उर्सा कहाँ से मिलता भाई, है ना, किस मंत्रालय से मिलता है इसको पैसा? वित्त मंत्री से, मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, शिक्षा मंत्रालय से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से? 60 का आंसर हो जाएगा आपको शिक्षा मंत्रालय। कॉमन सेंस लगाना है, हम लोग शिक्षा से संबंधित चीजों को पढ़ रहे हैं ना, तो यह शिक्षा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 61 नंबर, 61 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के संबंध में सही है, है ना? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसकी स्थापना 62 में की गई थी, ये सही है, बिल्कुल ठीक है, है ना? यह एक शोध केंद्रित विश्वविद्यालय है, बिल्कुल ठीक है। यह वर्ष 2006 में इस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय दर्जा दिया गया था, यह भी सही है, यानी कैंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका 61 का। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर, अब देखिए वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, बहुत नाइंसाफी है, आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए भाई साहब, ठीक है, जितने भी भाई बहने हमारी देख रही है, है ना, देख रहे हैं, आप लोग महान लोग हैं, है ना, शिक्षक हैं, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है ना, सिर्फ देखना है और यहाँ से भाग नहीं जाना है, ठीक है, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम भी आप लोग को और भी ज़्यादा सपोर्ट करें और भी मेहनत करें आप सभी के लिए। टाइम तो ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन जितना मिलता है उतना में ही से ही कोशिश करते हैं कि आप लोग को कुछ दिया जाए, है ना, कुछ अच्छा किया जाए ताकि सभी लोग प्रधान शिक्षक आप लोग बन जाए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के प्रमुख कार्य कौन से हैं, तो क्षमता विकास को बढ़ावा देना, सही है, शैक्षिक नीति एवं योजना बनाना, कुशल मेधावी का निर्माण करना, या फिर उपयुक्त सभी? तो सभी लोगों का आंसर आ रहा है डी नंबर, उपयुक्त सभी, सरकारी जवाब यही है, तो चलिए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 63 नंबर, कह रहा है कि NIEPA का एक कौन विभाग शिक्षा में निवेश की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूल मैपिंग, माइक्रो प्लानिंग सुधार योजना को निर्धारित करता है,
है ना, तो वो कौन से यहाँ पर विभाग होगा दोस्तों, कौन सा विभाग ये सब कार्य करती है? ऑप्शन है शैक्षिक योजना विभाग, शैक्षिक वित्त विभाग, शैक्षिक प्रबंधन और सूचना प्रसारण, इसका कोई मतलब नहीं है, शैक्षिक प्रशासन भी मतलब नहीं है, शैक्षिक योजना सीधा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैक्षिक योजना विभाग। अगला प्रश्न है आपका, NIEPA की संस्था का कौन सा विभाग प्रशिक्षण अनुसंधान और प्रसार तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रमों को संचालित करती है? तो 64 का क्या हो जाएगा आपका, 64 का आंसर हो जाएगा आपका, NIEPA की संस्था का कौन सा जो विभाग है वो प्रशिक्षण अनुसंधान और प्रसार तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रम को संचालित करता है? आंसर हो जाएगा शैक्षिक नीति विभाग, है ना, शैक्षिक नीति विभाग, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट सवाल आपका चलते हैं, सवाल नंबर, अच्छा तो टोटल दोस्तों 64 सवाल था, इसका आंसर भी दे दिया गया, इसको आप टेस्ट के रूप में एक बार जरूर दीजिएगा, उसके बाद अपने आप को देखिएगा कि कितना आपका सही होता है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ये आप लोग बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक कर देना है। 1 अप्रैल से न्यू बैच आपके स्टार्ट हो रही है, इसमें आपको बिल्कुल शुरुआत से करवाई जाएगी, है ना, DLED समान अध्ययन, 9 बजे से आपकी डेली क्लास चलेगी। और इसमें आपको कितना चार्ज लगेगा, तो बस आपको ज़्यादा नहीं, मात्र 399 इसमें मात्र चार्ज है नए टीचर के लिए, और जो पुराने शिक्षक अगर फिर से पढ़ना चाहते हैं तो ओनली 201 पे करना होगा। इस ऑफ़र का लाभ आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये फ़ोन नंबर गूगल पे यही है, ये नंबर आपको दिया गया, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो व्हाट्सएप भी आप जोड़ लीजिएगा। और जो लोग भी पे करेंगे ऑनलाइन, आप किसी दूसरे से भी आप पे करवा सकते हैं, है ना, अगर आप नहीं यूज करते हैं फ़ोन पे गूगल पे, तब किसी अन्य लोगों से भी करवा करके हमें आप भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका व्हाट्सएप होगा उससे हमको भेज देना है, और स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप जरूर भेजिएगा, ठीक है, जो भी पेमेंट करिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, ताकि हमको पता चल सके ना कि आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, इसीलिए आपसे स्क्रीनशॉट मांगा जाता है दोस्तों। बस आज की क्लास इतना ही, कल हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 7, है ना, कल क्या होगी क्लास, यूनिट 7 आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल 9 बजे आपको तैयार रहना है, है ना, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन चला जाता है, मैं ग्रुप में भी आप लोग को नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से भी आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, सभी लोगों को अच्छे से आप लोग तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल एकदम मस्त रहिए, और तैयारी एकदम करते रहिए जोर शोर से, है ना, हो जाएगा, सब लोग का हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।